आज जामताड़ा में कृषि बिल के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर दिखा, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा और सभी ने एक सुर में कृषि बिल का विरोध जताया। विधायक जी जामताड़ा, नारायणपुर, करमाटांड एवं मिहिजाम का सघन दौरा किए और जगह जगह जाकर बंदी का जायजा लिया। मौके पर विधायक जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गलत फरमान दिया गया है उसे किसी भी सूरत में लागू होने नहीं दिया जाएगा। सरकार को हर हाल में कृषि बिल को वापस लेना होगा। आगे विधायक जी ने कहा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज सभी वर्ग के लोग सड़क पर आ गए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग का तो जीना दुश्वार हो गया है। केंद्र सरकार हर दिन एक नया एजेंडा लेकर आता है जो जनता के अहित के लिए होता है। सरकार ने कभी भी गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई। एक ऐसा ही सरकार ने सभी का जीना हराम कर रखा है और अब इनकी नजर किसानों पर है। यह जानना चाहिए कि किसान है तभी देश है और किसानों के साथ सरकार का रवैया बड़ा ही नकारात्मक है। परंतु मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जब जब किसानों के खिलाफ किसी ने गलत किया है तो उस सरकार को खामियाजा उठाना पड़ा है। मोदी सरकार की दुर्दशा आने वाले दिनों में पूरा देश देखेगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे विधायक जी ने पूरे जामताड़ा वासियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बंदी को सफल बनाया, साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। विधायक जी ने कहा कि पूरे राज्य में सबसे सफल भारत बंदी का असर जामताड़ा में दिखा। आज इस ऐतिहासिक बंदी के लिए मैं दिल से सभी को धन्यवाद देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती देता हूँ कि कृषि बिल को हर हाल में वापस करा कर ही दम लूँगा।